न्यूज़वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। औरैया में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों दबियापुर थाना पहुंचे, जहां थाना दिवस पर अधिकारियों द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया। वहीं कुल आई 7 शिकायतों को में से 2 को हल किया गया और अन्य शिकायतों के लिए राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को जल्द हल करने के आदेश दिए गए। थाना दिबियापुर में थाना दिवस का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कुल 7 समस्याएं आई हैं, जिसमें से 2 समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है और शेष जो समस्याएं हैं इसमें अभी राजस्व और पुलिस विभाग की टीम बनाकर मौके पर भेजा जाएगा और सभी समस्याओं का निस्तारण। मैम, दिबियापुर का जो बस स्टैंड है वो पिछले 3 सालों से बना हुआ है, मैंने कब से ये चालू कराया जा रहा है? इसका निरीक्षण किया गया है बस स्टैंड में, वहाँ पर कुछ समस्याएं हैं वन विभाग की और पीडब्ल्यूडी की। वहीं ललितपुर दबंग प्रधान ने पिता और पुत्र को 1 महीने पहले रस्सी से बांधकर घर में जमकर पिटाई की। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। प्रधान और उसके बेटे, इसके साथ ही उसके भाई ने फिर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते पीड़ित की पत्नी ने जहर खा लिया। महिला को गंभीर हालत में आनन-फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। पीड़ितों का कहना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। दबंग प्रधान आए दिन उसके परिवार के साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देता है। इसी के चलते पीड़िता ने ये कदम उठाया है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झमकौन का है। वहीं ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने कुछ नामजद लोगों पर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि नामजद लोगों ने धमकाया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। युवक का गांव के ही एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 23 तारीख को लड़की की बारात आई थी। परिजनों की माने तो कई बार शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शव को पंचनामे के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल परिजन आरोपियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। थाना आवागढ़ पर तैनात मुख्य आरक्षी दलवीर सिंह यादव इटावा के मूल निवासी थे, जो थाना आवागढ़ पर कमरे में लगे बिजली के बोर्ड से फोन चार्जर हटाते समय अचानक बिजली करंट लगने से बेहोश हो गए। स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें उपचार के लिए CHC आवागढ़ लाया गया, जहां उन्हें इलाज के लिए FH मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन एटा लाया गया, जहां नम आंखों से SSP एटा उदय शंकर सिंह ने उन्हें सलामी दी और 2 मिनट का मौन रखा। अधिकारियों द्वारा पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्नाव में बेखौफ बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी। पत्रकार का नाम मुन्नू अवस्थी बताया जा रहा है। गोली लगने से पत्रकार की हालत नाजुक बताई जा रही है। पत्रकार के दाएं हाथ कंधे में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद से पुलिस हरकत में आई है। COCT आशुतोष कुमार डॉग स्क्वाड और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पत्रकार मनु अवस्थी ने पहले भी अपनी हत्या होने की आशंका जताई थी। वहीं कानपुर क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया, सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित करने के तरीके भी बताए। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच का साइबर अवेयरनेस सेशन चल रहा है, जिसमें बढ़ रहे साइबर अपराध के नए तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है, साथ ही कैसे इससे बचा जाए और इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि साइबर अवेयरनेस सेशन में कल्याणपुर के कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। छात्रों के साथ कोचिंग में पढ़ रहे शिक्षकों ने भी जागरूकता अभियान में भाग लिया। साइबर सेल की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे कांस्टेबल मुकेश शुक्ला और पवन सिंह ने छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया अकाउंट के 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करने के लिए कहा। इससे कोई भी आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास भी करता है तो आपके पास अलर्ट मैसेज आ जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट की सिक्योरिटी किस तरह से लॉक कर सकते हैं इसके बारे में भी बताया गया। वहीं बदायूं में सड़क हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान एक महिला की और मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। वहीं हादसे में घायल 5 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसा सिविल लाइन के दहेमी में हुआ। फूलपुर में तैनात कानूनगो को घूस लेते हुए विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। कानूनगो सुप्रीम सिंह को विजिलेंस टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोचा। आरोप है कि भूमि के चुनाव को लेकर सुप्रीम सिंह ने घूस लिया था। लखनऊ की विजिलेंस टीम ने थाना थरवई इलाके से उन्हें गिरफ्तार किया।
नेपाल कस्टम द्वारा कस्टम शुल्क को लेकर कड़ाई से पालन शुरू कर दिया गया है, जिसका असर सीमावर्ती बाजारों में साफ देखने को मिल रहा है। वहीं आम नेपाली ग्राहक भी नेपाल प्रशासन के इस कदम से परेशान हैं। तो सीमावर्ती व्यापारियों की स्थिति भी काफ़ी खराब हो गई है, क्योंकि सीमावर्ती बाजार सिर्फ नेपाली नागरिकों पर ही आश्रित है। जो बाजार कभी गुलजार रहते थे, अब नेपाल कस्टम के इस कदम से वीरान दिखाई दे रहे हैं। भारतीय व्यापारियों ने कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या पर भारत और नेपाल सरकार कोई कदम नहीं उठाएगा तो आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के रिश्ते में भी इसका असर देखने को मिलेगा। मैं सुनोली में व्यापारी हूं। यहां पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक किलो चीनी पे भी भंसार लग रहा है। आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है कस्टमरों को। एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है यहाँ पे। सबदम बॉर्डर टाइट कर दिया गया है और नेपाल के द्वारा यहाँ बॉर्डर सब टाइट कर दिया गया है। एक किलो चीनी पे भी भंसार है। एक कपड़ा ले जाने पे भी उसको छीन के कस्टम करा रहे हैं सब लोग। पहले जैसी स्थिति नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है यहाँ पे। 1 जून के बाद जो नेपाल ने बजट आया है, उसके बाद आलू प्याज फल फूल वगैरह में ज़्यादातर चीज़ों में भैट लगना शुरू हो गया है। वो बजट के चलते उसके बाद जितने भी सामान कस्टम होने के लिए आ रहा है, उसमें हम बैच लेके कस्टम क्लियर कर रहे हैं। वहीं कासगंज में बारातियों से भरी कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में दूल्हे की बहन समेत एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूल्हा दुल्हन सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन की विदाई करवा कर अपने घर लौट रहा था। सूचना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। हादसा कोतवाली पटियाली क्षेत्र के मैनपुरी हाईवे पर नगला बक्सी के पास हुआ। क्या है श्यामबीर, क्या घटना हुई है? पता नहीं सर, कुछ नहीं पता चला। गाड़ी ये पलट कैसे गई? पलटी नहीं है गाड़ी, बिल्कुल सीधी गई है बस ये। तो कहाँ से आ रहे थे आप? हम मऊ से आ रहे थे। मऊ से क्या बारात वगैरह कोई? हाँ जी हाँ जी। फारुखाबाद में ई रिक्शा में बैठी महिला के बैग से जेवर चोरी हो गया। महिला के बैग से 7 लाख की ज्वेलरी की चोरी हो गई। महिला घर से बस अड्डे के लिए जा रही थी। रास्ते में ई रिक्शा पर दूसरी महिला भी बैठी थी, जिसने बैग का ताला तोड़कर ज्वेलरी से भरा बैग निकाल लिया। ज्वेलरी से भरा बैग निकालकर चोरी करने वाली महिला भागने लगी। पीड़ित महिला ने महिला चोर को दौड़कर पकड़ लिया, साथ ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला कादरी थाना गेट क्षेत्र के बस स्टैंड का है। आज क्या घटना घटी आपके रोडवेज बस स्टॉप पे? हम राजीव गांधी नगर से बैठे थे, हम बस अड्डे जा रहे थे। ये आरटीआई से मेरे पास बैठी और बैठ के इन्होंने धीरे से बैग, मेरा बड़ा बैग था ट्रॉली बैग, उसमें इन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ के छोटा सा बैग जेवर था मेरा, उसमें ताला तोड़ के निकाल लिया। जेवर की कॉस्ट लगभग कितने लाख रुपए की होगी? मेरा कम से कम 6-7 लाख का जेवर था। फिर इन्होंने बैग, जेवर वाला बैग निकाल के टांग लिया और हमने इन्हें भाग के पकड़ा, तब बैग इनसे छीना। बेहट में खनन कारोबारी को डरा धमका कर उससे 2 लाख रुपए मांगने का एक ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खनन कारोबारी ने इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी से शिकायत की है। थाना नकूर क्षेत्र के नसलोयागढ़ निवासी खनन कारोबारी देवराना ने बताया कि उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के गाँव जैतपुर खुद में निजी खनन पट्टा आवंटित करवा रखा है, जिसमें खुदाई का कार्य चल रहा है। आरोप है कि इस गाँव के 3 लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनके खनन कार्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि आरोपी खनन कारोबारी से 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। यदि वो इसका विरोध करता है तो आरोपी उनके पट्टे पर आकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो जाता है और खनन कार्य रुकावट के लिए धमकी देता है। पीड़ित ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस मामले का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक आरोपी खनन कारोबारी से 2 लाख रुपए मांगता हुआ दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। वहीं उन्नाव में थाना समाधान दिवस पर एक महिला का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। भूमाफियों की दबंगई से परेशान दलित महिला का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि महिला और उसकी बेटियों को जबरन घर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक दर्जन से अधिक दलित परिवार भुखमरी की कगार पर है। दबंग ने जबरन दलितों की जमीन पर कब्जा कर निर्माण का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि पुलिस और लेखपाल की साठगांठ से कब्जा किया गया है। सरकारी खंडेज पर जबरन निर्माण कराया जा रहा है। फैसले में दलितों को सिर्फ निकालने का रास्ता दिया गया है। मामला बंगरुमई कोतवाली के दारापुर गांव का है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।